आज नवरात्रि का मेला है। सब बच्चे अपने माता पिता के साथ जलेबी मिठाइयाँ अनेक प्रकार के चीजें खा रहे होंगे, गोलगप्पा। लेकिन मैं तो अनाथ हूँ, मैं नहीं खा सकता और मेरे पास पैसे भी नहीं है। लेकिन आज कोई तरीका लगाना पड़ेगा खाने का। मैं जरूर खाऊंगा, गोलगप्पा भी खाऊंगा और मिठाई भी खाऊंगा। मैं जरूर कोई ऐसा तरीका लगाऊंगा खाने का, चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगना पड़े, लेकिन मैं मांगूंगा और जरूर खाऊंगा इस मेला में। चाचा मैं अनाथ हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे अनाथ कितने हैं। मैं कितने को पैसा देता रहूँ? अगर मैं देता रहा तो मैं खुद अनाथ और गरीब का सरदार बन जाऊंगा। चाचा चाचा मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, मुझे छोड़कर चले गए, वह गुजर गए हैं। आप हमें खाने के लिए कुछ पैसे दे देते तो बहुत कृपा हो जाती आपके ऊपर भगवान की। चलो जाओ यहाँ से, भगवान किसी का कृपा नहीं करता, वह खुद लूट लेता है। देखो अभी पूजा हो रहा है, इसमें 12 लाख रुपए हम ही सबसे चंदा के रूप में लूट लिया है। भगवान कृपा नहीं करता है, भगवान वह सभी जनता से लूट कर अपना नाम कमाता है, समझ गया? चलो निकलो यहाँ से, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा उसे नहीं देंगे हम तुमको। चाचा चाचा पैसा दे दीजिए, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, सुबह से भूखा हूँ। चाचा कुछ दे दीजिए, 80 रुपया दे दीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए चाचा। अरे बाबू मैं भी अभी सुबह से भूखा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने पूजा नहीं ना किया है, इस चलते मैं भी अभी सुबह से भूखा हूँ, पूजा करके मैं खाना खाऊंगा। चल निकल, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे साला एक कलयुग है, इससे कोई पैसा नहीं देगा, कोई जरूर तरकीब लगाना पड़ेगा। भीख साला मांग रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है, जरूर कोई तरकीब लगाएंगे तभी कोई पैसा देगा। एक आइडिया है, चलो उससे काजन काम बन जाए, उससे काजन पैसा देने लगे लोग। एक गोरा कद्दू मेरे भाई, तुम्हारे पास पैसा है कुछ खाने के लिए? तुम्हारे पास पैसा मिला है? तुम्हें किसी ने भीख मांगा तो पैसा दिया है? नहीं ना। चलो मेरे पास एक तरकीब है, उससे काम बन जाएगा, उससे खूब पैसा कमा सकते हैं हम दोनों मिलकर। ओ कैसे काला कद्दू, थोड़ा तरकीब हमें भी बताओ, वो कैसे कमा सकते हैं बहुत सारा पैसा? पैसा कमाने के लिए तो पैसा खर्च करना पड़ता है, तो पैसा हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहाँ से खर्च करेंगे और कहाँ से कमाएंगे पैसा? देखो गोरा कद्दू, मेरे पास एक तरकीब है, तरकीब को ध्यान से सुनना। गोरा कद्दू, बाहर से अंदर आने के लिए 10 रुपए चार्ज लग रहा है, और जितने भी व्यक्ति अंदर आए हैं वो तो बाहर जाएंगे ही, अगर जो जो बाहर जाता है उससे हम 5 रुपए चार्ज लगाएंगे, ठीक ना? तुम वहाँ बैठ जाना, वहाँ बैठने के बाद तुम एक बेंच और ढेर सारे कागज पर टिकट ले लेना, और मैं यहाँ पर चेकिंग करूंगा कौन कौन टिकट लिया है, और जो जो नहीं लिया रहेगा उससे मैं बोलूंगा कि जाओ वहाँ से टिकट लेकर आओ, तब तुम बाहर जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो, इसी मेला में को रहना होगा। तरकीब कैसा है? वह टिकट लेने जाएगा, तुम 5 रुपए में टिकट देना। काला कद्दू, तरकीब तो बहुत गर्दा है, देखो अब काम करता है कि नहीं। ठीक है, मैं बेंच और कुर्सी लगा कर बैठ जाता हूँ यहाँ पर, और कुछ कागज लेकर। चाचा कहाँ जा रहे हैं? टिकट दिखाइए, टिकट बाहर निकलने के लिए टिकट लग रहा है, टिकट दिखाइए। अरे अभी तो 2 मिनट पहले टिकट नहीं लग रहा था, अभी तुरंत 2 मिनट बाद से टिकट लगने लगा, एक ऐसा मेला का नियम है। चाचा जी जो टिकट अंदर से लेने वाला था ना, वो मेला घूरने लगा, इसलिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया, और जो उतने देरी से आदमी पार हो गए हैं से किस्मत अच्छा से पार हो गए, लेकिन अब बिना टिकट के कोई नहीं पार होगा। देखिए सामने वहाँ पर टिकट बेच रहे हैं, वहाँ से टिकट लेकर आइए तब आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है मैं टिकट लेकर आता हूँ। ए बाबू टिकट कैसे दे रहा है? जी चाचा जी एक आदमी के लिए 5 रुपए का एक टिकट है। हाँ तो ठीक है, मैं एक ही आदमी हूँ, मुझे एक टिकट दे दो, ये लो 5 रुपए। हाँ चाचा जी ये लीजिए अपना टिकट। चाचा जी आपने टिकट ले लिया ना? हाँ मैंने टिकट ले लिया। हाँ तो आप अब जा सकते हैं बाहर।
काला कद्दू देखो कितना पैसा हो गया। हम लोग तो 30 मिनट आधा घंटा में ही लखपति बन गए। साला भीख मांग रहे थे, दो दिन से कोई एक भी रुपया नहीं दे रहा था। गोरा कद्दू, मैं आज अपना सपना पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, इस चलते मेरा हर सपना अधूरा रह जाता था, लेकिन आज मैं हर सपना को पूरा करूंगा। मेरे पास आज बहुत सारे पैसे हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी आज पूरा कर लूंगा, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर बहुत पैसा कमाया है। इतना पैसा तो हम पूरे जिंदगी में भीख मांग कर भी नहीं कमा सकते। और हाँ दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। नवरात्रि की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपकी भी कुछ सपना है नवरात्रि में कुछ खरीदने का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या सपना है कुछ खरीदने की। मेरा तो था आइसक्रीम और मिठाइयां खाने की, लेकिन बताइए आप क्या मेला में जाकर खरीदेंगे नवरात्रि के मेला में, जरूर हमें बताइए कमेंट कर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन के टल्ली को भी दबा लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।